हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है आलू आलू सैंडविच। इसे बनाने के लिए हमें कुछ प्याज की स्लाइस और टमाटर की स्लाइस चाहिए, और स्टफिंग के लिए बारीक कटी हुई प्याज एक बड़ी, और कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए। और आलू को हमने पहले से ही उबाल के मैश करके रख लिया है स्टफिंग के लिए। कुछ ब्रेड ली हैं, इसमें कुछ ब्रेड के किनारों को हमने काट के निकाल दिया और कुछ को ऐसे ही रखा है। आप चाहे जैसे इसे बना सकते हैं। और अमूल बटर सैंडविच को सेकने के लिए स्नैक सॉस, सैंडविच बनाने के लिए लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे और इसमें कुछ मेथी के दाने डालेंगे। जब मेथी के दाने चटकने लगे, तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे से सैंडविच की स्टफिंग में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे आप ज़रूर डालें। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तलें धीमी आंच पे। इसको तलते रहें, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। देखिए इस तरह चला चला के इसको तल लें। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसको अच्छे से चला लें। अब हमने जो लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखा था उसको डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले, चला लें। थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च पक जाए, जब कच्चापन ना रहे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हमने जो आलू मैश करके रखे हैं उसको डाल दें। आलू को डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसको धीमी आंच पे ऐसे चला चला के अच्छे से मिक्स करते हुए भूनें। जब तक सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहें। देखिए अब हल्दी और सारे मसाले इस तरह अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको 1-2 मिनट और रखेंगे आँच पे, उसके बाद इसको उतार लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हमने जो हरी धनिया काट के रखे थे इसमें डाल देंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लें हरी धनिया को। स्टफिंग हमारी तैयार है। अब एक ब्रेड की स्लाइस को लेके इसमें स्नैक सॉस को अच्छी तरीके से लगा देंगे। चारों तरफ इसे अच्छी तरीके से लगा दें। देखिए लग गया है। अब इसको एक साइड में कर देंगे। अब दूसरे टुकड़े को लेकर इस पे हमने जो स्टफिंग बनाई है उसको अच्छे से लगा देंगे। स्पून की सहायता से चारों तरफ इसको अच्छे से स्टफिंग को लगा दें। ये देखिए स्टफिंग लग के तैयार है। अब हम इस पे जो टमाटर की स्लाइस काट के रखे थे उसको और प्याज के कुछ टुकड़े रख कर, देखिए इस तरह से प्याज के टुकड़े को रख कर आपस में चिपका देंगे। इस ब्रेड को हल्का सा प्रेस करते हुए इसको चिपका दें। अब एक पैन में बटर को गरम करें। बटर
कटर गर्म हो गया है। अब इसमें सैंडविच को रख के, ब्रेड सैंडविच को रख के सेक लें। देखिए दोनों तरफ से बटर को लगा दें और इसे अच्छे तरीके से दोनों तरफ पलट कर सेक लीजिए। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इसको पलट के इस तरफ भी सेक लेंगे, हमें ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है। देखिए अब ये सीख के तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी ब्रेड को सेक लेंगे, सभी सैंडविच को। देखिए ये हमारा तैयार है। अब इसी तरह हमने जो ब्रेड लिया था उसके किनारे को काट के निकाल दिया था, ब्राउन किनारों को। अब उसको भी ऐसे ही एक टुकड़े पर स्नैक सॉस और दूसरे पे आलू की स्टफिंग लगा के तैयार कर लेंगे। इस पे आलू की स्टफिंग को लगा के तैयार करेंगे।